Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and... Assalamu alaikum nazreen, aap sabka istiqbal-e-18 Telangana News ke khas khabarname par aaj 3 November budh yani Wednesday ka din hai, aaye nazreen dekhte hain aaj ka khas khabarnama. दीपावली के मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की जाएगी दिवाली के मद्देनज़र. बताया जा रहा है एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये से 10 रुपये तक कम की जाएगी. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिशियल्स ने मंगल के दिन मुख्तलिफ मुकामात पर छापा मारे और प्राइड इंडिया मैंशन जो एक रियल इस्टेट कंपनी है उस पर प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस दर्ज किया गया. हैदराबाद पुलिस ने FIR दर्ज किए. गैर कानूनी 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत पर ज़मीन की डीलिंग की जा रही थी उस पर केस बुक किया गया. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब्दुल हामिद बेग जो प्राइड इंडिया मैंशन के मालिक है उनके घर पर छापा मारे और प्राइड इंडिया मैंशन के कंचनबाग संतोष नगर ऑफिस पर भी छापा मारा गया. प्राइड इंडिया मैंशन के डायरेक्टर अब्दुल हामिद बेग और मोहम्मद अमीन उद्दीन शेख है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिशियल्स ने कहा. आने वाली दिवाली के मद्देनज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC और हैदराबाद पुलिस ने ऐलान किया कि इस साल दीपावली के मौके पर कुछ पटाखे बैन कर दिए गए हैं जो नुकसानदायक है. साथ ही हैदराबाद पुलिस ने ऐलान किया कि पटाखे जलाने का वक्त दिवाली के मौके पर 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा रात के. इस ताल्लुक से नोटिस भी जारी कर दी गई है तमाम हैदराबाद और साइबराबाद के पुलिस ऑफिसर्स को. साथ ही रचाकोटा पुलिस को भी इस ताल्लुक से इतला दे दी गई है. बेंगलुरु के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम थिंक टैंक है उन्होंने जुमेरात के दिन ऐलान किया कि केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना ये 3 ऐसे रियासत है जिन्होंने अपना नाम विनर्स में शामिल कर लिया. बताया जा रहा है 18 बड़े रियासतों को गवर्नेंस परफॉर्मेंस पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC के तहत अवार्ड से नवाजा जाएगा और विनर्स का खिताब दिया जाएगा बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाने. तेलंगाना रियासत में कल दीपावली के मौके पर कोई COVID-19 वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा. दीपावली की छुट्टी के बाद दोबारा COVID-19 वैक्सीनेशन का आगाज किया जाएगा, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा. बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का कल बतारीख 2 नवंबर बरोजे मंगल को जन्मदिन मनाया गया. शाहरुख खान इस साल 56 साल के हो चुके हैं. इस मौके पर हमेशा की तरह इस साल भी दुबई में दुनिया की लंबी इमारत पर बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान की तस्वीर बताते हुए उन्हें जन्मदिन के मौके पर मुबारकबादी पेश की गई बड़े पैमाने पर. शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट जहाँ हर किस्म का पकवान मौजूद है. आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स चिकन में 75 किस्म के आइटम्स चिकन बिरयानी हल्दी मटन बिरयानी हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है. ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है. साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है. बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है. 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है. मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर. हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है. स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है. फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल मुगलाई तंदूरी चाइनीज चिकन बिरयानी ईरानी चाय एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक आसिफ नगर.